22 के चैप्टर में आज आपका 31वां दिन यानी 31st कह लीजिए, ठीक ना जी। वंथ मत कहिए, कुछ लोग वंथ बोल देते हैं, वंथ क्या बोलना चाहते हो, गड़बड़ा जाएगा हिसाब किताब। चले तो 31st डे है। अब पैसिव वॉइस ऑफ इन्विटिव, इन्विटिव के टॉपिक में एंड यूनिट में तीसरा पार्ट। पहले पार्ट में आपने पढ़ा था सब्जेक्ट प्लस इजेमा का प्रयोग, दूसरे में आपने पढ़ा वाल्वर का प्रयोग, आज पढ़ेंगे हैज ऑब्लिक हैव का प्रयोग। फिर अंतर क्या है भैया, तो सीक्वेंस में लग जाओ। पहला इजेमा क्या बताता है, प्रेजेंट किसको पैक करता है, प्रेजेंट ऑब्लिक फ्यूचर टाइम में होने वाले भविष्य की योजना यानी फ्यूचर प्लान, जो पूर्ण भी हो सकता है नहीं भी हो सकता है। लेकिन पार्ट टू में अर्थात स्ट्रक्चर टू में वास ऑब्लिक वर्ब मैंने लगा दिया, तो वह किसको व्यक्त करता है, पास्ट टाइम को। और पास्ट टाइम में ऐसे योजना को जो पूर्ण होती ही नहीं है, पूर्ण होती ही नहीं है, तो थोड़ा पढ़ते जाओ ना, पीछे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक ना। जो नेट पैक बनाते हो ना, तो पिक्चर देखने में मत खर्च करो, पढ़ाई में खर्च करो, ठीक है ना। तो चलते हैं हम आज, यह पार्ट थ्री का संबंध किस टाइम से है तो नोट करिए ना। इट इज रिलेटेड टू प्रेजेंट ऑब्लिक फ्यूचर टाइम, फ्यूचर टाइम। अब चाहे प्रेजेंट टाइम को हो या चाहे फ्यूचर टाइम को हो, जो प्रेजेंट टाइम है वो फ्यूचर में तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन जो पास्ट हो गया वो प्रेजेंट में नहीं आ सकता है ना फ्यूचर में जा सकता है, ठीक ना भैया। तो अब सवाल ये उठता है कि वहां पर तो फ्यूचर प्लान की बात कर दिए और पास्ट प्लान की बात कर दिए, ठीक ना, यहां पर प्लान नहीं है, जानते हो क्या है, डिनोस। हम सीधा लिख देते हैं इट डिनोट्स, ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन ऑब्लिक कंपल्सन, क्या है, कंपल्सन, ये चीज, ठीक है। यह स्ट्रक्चर ऑब्लिगेशन यानी बाध्यता अथवा कंपल्सन अर्थात अनिवार्यता को व्यक्त करता है, यानी यहां पर जो कार्य होता है किसी बाध्यता के चलते होता है या किसी अनिवार्यता के चलते होता है, कोई प्लान नहीं है। जबकि पार्ट वन में भी प्लान है, पार्ट टू में भी प्लान है, पार्ट वन में ऐसा प्लान जो फ्यूचर में पूर्ण हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, और पार्ट टू में ऐसा प्लान जो किया गया वो पूर्ण हुआ ही नहीं। तो स्ट्रक्चर का अंतर आप लेकर चलेंगे, केवल एक्टिव से पैसिव भी नहीं सीखना है, आपको ट्रांसलेशन भी सीखना है, बाकी प्रक्रिया भी है कुछ नहीं। अरे ये है अपनी जगह रहेगा, बोलो इस ऑब्जेक्ट को तुम क्या करोगे, सब्जेक्ट बढ़ा दिए किसका, पैसिव सेंटेंस का, और इस सब्जेक्ट को तुम क्या किए, एजेंट बढ़ा दिए, काम खत्म। इस इन्फिनिटिव को क्या किए, पैसिव इन्फिनिटिव में चेंज कर दिए, सिंपल सा चीज, पुरानी चीज। तो अब इसमें ज्यादा हम नहीं लिखेंगे क्योंकि आप सीक्वेंस में आ चुके हो, और नहीं आए हो तो सीक्वेंस में आओ तभी इंग्लिश आएगी। और फॉर एग्जाम्पल पर सीधा आता है, ठीक है जी। आप देखो, हम ये कहते हैं कि स्टूडेंट्स ठीक है, स्टूडेंट्स अब
भी बताना पड़ेगा सिंगल फिंगर सर से। अरे सिंगल सर पेट रहता है जब फिंगर रहता है। स्टूडेंट्स हाय, ठीक है, टू कंप्लीट कंप्लीट देयर होम वर्क ट्रायंगली। देखा, आप बताओ सेंटेंस क्या कह रहा है। सेंटेंस कह रहा है कि मैं मीनिंग लिख दे रहा हूं, ये एक्टिव है भैया, एक्टिव, ठीक है। छात्रों को, छात्रों को अपना गृह कार्य, गृह कार्य समय से पूर्ण करना या पूरा करना, ठीक है, पूर्ण करना, देखना एक मीनिंग होता है, एक मीनिंग क्या है, होता है अथवा करना पड़ता है। क्या अल्टरनेटिव है, यहां तक कॉमन है, ये दोनों अल्टरनेटिव है, मीनिंग निकालो। छात्रों को अपना गृह कार्य समय से पूर्ण करना होता है, एक सेंटेंस, और दूसरा क्या है जी, करना पड़ता है, दूसरा सेंटेंस। अब एप्लीकेशन है कि कंपल्सन है, कोई एप्लीकेशन नहीं, पढ़ते हो स्कूल कॉलेज में तो कंपल्सन है, बाध्यता नहीं, कंपल्सन है। अगर होमवर्क नहीं पूरा करोगे तो क्या होगा भैया, बोलो ना, फेल हो जाओगे, ठीक ना। तो ये क्या हो जाएगा, मुर्गा तो बनोगे ही, कंपल्सन है, अनिवार्यता, नहीं होमवर्क पूरा करोगे तो गुरुजी मुर्गा बना देंगे, नहीं तो बेंच पकड़ा कर देंगे, अनिवार्यता। एप्लीकेशन नहीं कर सकते, थोड़ा अंतर है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मजबूरी को व्यक्त करता है, लाचारी को व्यक्त करता है, और अनिवार्यता आवश्यकता को व्यक्त करता है। अनिवार्यता क्या करता है, आवश्यकता को, नेसेसिटी को व्यक्त करता है। अरे जब तुम होमवर्क ही नहीं पूरा करोगे, यूट्यूब चैनल पर सिक्वेंस से पढ़ोगे ही नहीं, तो तुम्हें अंग्रेजी आएगी नहीं आएगी, अनिवार्यता क्या है, सिक्वेंस से पढ़ो, ठीक ना, कंपल्शन है, एप्लीकेशन नहीं। अब चलो फटाफट हम इसको रिमार्क करते हैं, बोलो सब्जेक्ट ये क्या है, इसे तुम कभी भी हेल्पिंग वर्ब मत समझना यार, हेल्पिंग वर्ब समझने की गलती मत कर देना। अरे ये तो मेन वर्ब है, जैसा कि जयमाल था और वाजमाल था उसी तरह ये भी मेन वर्ब है। सवाल एक ही है, हम मेन वर्ब क्या है, एक्शन वर्ब है, नो, लिंकिंग वर्ब। मेरा क्लास लो, वर्ब वाला चैप्टर खोलो प्लेलिस्ट से, तब तुम्हें वर्ब क्लियर होगा, है, वैसा क्लास नहीं मिलेगा, और ना वो चीज आपको किसी किताब में मिलने वाली है, डंके की चोट पर चैलेंज करता हूं, और वहां से बिल्कुल वर्ब क्लियर हो जाएगा। तो ये भैया लिंकिंग वर्ब का काम कर रही है, यहां क्या लग गया भैया, अरे इन्फिनिटी, और ये क्या लग गया, ऑब्जेक्ट, और ये क्या लग गया, अदर वर्ड्स, ये कहीं है तो वर्ड्स नहीं लिखूंगा, वर्ड लिखूंगा, इसका सब ध्यान देना चाहिए। तो फटाफट बनाइए ना, क्या तकलीफ है, बना लीजिए। ऑब्जेक्ट को बनाना है पैसिव सेंटेंस का सब्जेक्ट, क्या बना रहा हूं, पैसिव सेंटेंस का
देयर होमवर्क क्या कह दिया, कभी दे होमवर्क मत लिखते ना, होमवर्क सिंगुलर में ही लिखा जाएगा, कहीं देयर के चक्कर में होमवर्क मत लिख देना, तो क्या हो जाएगा जी, देयर होमवर्क। ये कहीं में लिखा जाएगा, अलग अलग मत कर देना, होम को अलग और वर्क को अलग नहीं, एक साथ देयर होमवर्क। अब ये बताना है कि ये सिंगुलर है कि प्लुरल, बोलिए। तो ये देयर होमवर्क हर स्टूडेंट क्या करते कि वर्क तो सिंगुलर प्लुरल दोनों होता है, होमवर्क क्या होता है सिंगुलर होता है, लेकिन देयर लग जाने से आप कंफ्यूज हो जाओगे तो प्लुरल है इसके साथ है लगना चाहिए नहीं। अरे हर स्टूडेंट अपने अपने हिसाब से अपने अपने हिस्से का होमवर्क कंप्लीट करेगा, ठीक ना। तो आप देर होमवर्क हैव नहीं लगाओगे, हैव लगा दो फिर संतोष का अर्थ हो जाएगा सारे छात्रों का होमवर्क कोई एक और तीसरा व्यक्ति कर रहा है, नहीं समझे। देर होमवर्क हैव लगा दोगे इसका मतलब सभी छात्रों का होमवर्क इकट्ठा करना उसके बाप कर रहे हैं, समझ गए कि नहीं, और किसी एक का बाप कर रहा है या भाई कर रहा है, गड़बड़ा जाएगा यार, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो सारे स्टूडेंट क्या हो अपना इंडिविजुअल करेंगे ना काम, तो है नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ तो देर ही रहेगा क्योंकि होमवर्क वो अपना कर रहे हैं न कि मेरा कर रहे हैं, समझ गए। तो क्या करेंगे, देर होमवर्क यहां पर फंसता है मामला कि हाई लगाएगी हाई लगाए, होमवर्क हाई नहीं, होमवर्क सुनर रहेगा ही रहे, इसके पूर्व चाहे तू जो भी लगाओ, माई लगाओ, हीज लगाओ, देर लगाओ, उनके लगाने से थोड़ा वो, जैसे होम है तो होम तो सिमिलर है, बोलो तो माई होम इज आवर होम इज, समझ गए होंगे, अरे माई होम इज आवर होम इज देयर होम इज, वही पैटर्न चलेगा, तब तो हमारे ख्याल से कंफ्यूजन समाप्त हो गया। तो अब क्या करेंगे, उतार दिया, उसके बाद जो तरीका मैंने बताया टू लगाया फिर भी, और यहां क्या किया कंप्लीटेड, क्या कर दिया भैया कंप्लीटेड। अब क्या किया बाय स्टूडेंट्स टू डेंस। अब सवाल यह है कि यहां प्राइमरी लिखे कि पहले लिखे, इसकी चर्चा हो चुकी है, इसकी चर्चा हो चुकी है। तो सवाल यह उठता है कि हम प्राइमरी यहां पर तो ऑब्जेक्ट है, जैसे तुम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बढ़ाओगे तो प्राइमरी खिसक के यहां आएगा, तो अगर ऐसे लिखते हो तो यह रॉन्ग है, जानबूझ के लिखा समझाने के लिए, एक बार लिख करके क्रॉस कर लेना तभी समझ में आएगा, एक बार लिख कर क्रॉस कर देना फिर दोबारा लिखना। तो मैं दोबारा नहीं लिखूंगा क्योंकि जगह का अभाव और समय का अभाव, तो क्या करता हूं भैया टाइमली यहां लगाता हूं, बाय स्टूडेंट्स कर दिया, ओके। अब मीनिंग क्या हो, इसका अर्थ मैंने लिखा कि छात्रों को अपना गृह कार्य समय से पूर्ण करना होता है, करना होता है एक हिंदी, तो इस हिंदी का पैसिव लीजिए क्या जी, यहां देयर हम भले ही लगाए लेकिन हिंदी जब हम बात करेंगे तो ध्यान देना कि स्टूडेंट्स होमवर्क नहीं लिख पाओगे कि स्टूडेंट्स होमवर्क बाई स्टूडेंट नहीं कर सकते हो, ठीक ना, लेकिन हिंदी अनुवाद में मतलब इंग्लिश में नहीं लिख सकते हो, हिंदी में कर सकते हो, शुद्ध हिंदी में छूट है का जी। अब ये लिखो कि उनका गृह कार्य छात्रों द्वारा, देखो छात्रों द्वारा उनका, ऐसे लिखो ना तब ठीक है, यहां से स्टार्ट करोगे मीनिंग हमेशा बाई एजेंट से स्टार्ट करोगे, क्यों वही तो एक्टिव वर्ब हो चाहे पैसिव वर्ब हो वही तो उसका सब्जेक्ट होता है, शुरू से पढ़ो, तो इस सब्जेक्ट के हिसाब से निकालो उनका।
भैया गलत हुआ, क्या करो? छात्रों द्वारा उनका गृह कार्य, अब सही हो गया। छात्रों द्वारा उनका गृह कार्य समय से पूर्ण का बोलो करना होता है कि किया जाना होता है? पूर्ण किया जाना होता है, पूर्ण किया जाना होता है। अब पढ़ता वाला तो थोड़ा सा कोशिश करो कि देखो निकल रहा है, ये तो सही हो गया। छात्रों द्वारा उनका गृह कार्य पूर्ण कार्य किया जाना होता है, करना होता नहीं किया जाना होता है। अब पढ़ता वाला में छात्रों द्वारा उनका गृह कार्य समय से पूर्ण, पढ़ता में नहीं बनेगा। तो एक्टिव में तो भैया मैंने दो मीनिंग बताया, लेकिन पैसिव में तो सिर्फ कौन सी मीनिंग आएगी? ये आएगी। तो ट्रांसलेशन भी सीखो ना, ठीक है। अब सवाल ये उठता है, ये तो कंपल्सन है, यहाँ एप्लीकेशन का एक एग्जांपल दे देता हूँ। कहो गुरु जी यहाँ कंपल्सन को दे दिए और एप्लीकेशन से प्रिंट छुड़ा लिए, ऐसा नहीं तो फिर देते हैं। चलिए एक्टिव में, ठीक है भैया। असर्वेंट हायर टू ओवे, अब बताओ क्या रे? नौकर को अपने मालिक की आज्ञा माननी होती है अथवा माननी पड़ती है, बोलो। कंपल्सन है, कंपल्सन नहीं है, ऑब्लिगेशन है, मजबूरी है, क्योंकि वह नौकर की नौकरी कर रहा है, क्योंकि वो किसी का नौकर बना है। नौकर नहीं जी, नौकर बोलो, नौकर कहते हैं। नौकर क्या होता है जी? व्हाट इज नौकर? नौकर नहीं, नौकर। तो बोलो ये ऑब्लिगेशन है कि नहीं? हाँ भैया, ऑब्लिगेशन है, और ऑब्लिगेशन का मतलब बाध्यता। कुछ बिकने आया है बाहर, हाँ कोई बात नहीं, चलता है। बोलिए, नौकर को अपने मालिक की आज्ञा माननी होती है, आवली पड़ती है। लिख लीजिएगा हिंदी, समय दे दे रहा हूं। पैसी बोलिए, ऑब्जेक्ट है ना, लगा दिया। हीज मास्टर, उसके बाद है टू बी ओबे बाई, यहां पर आर्टिकल और लगाया जीआर में, जेनेटिक रेफरेंस, यानी हर नौकर को नहीं लगाया सार में भी बाई। अब बताइए आर्टिकल लगाए कि नहीं लगाए? आर्टिकल सही आएगा, वो हटाने की गलती मत करना। बाई काली सर्वेंट, अब आर्टिकल कर लो, अरे किसी भी नौकर का जीआर में है रिफरेंस, जीआर सार पढ़ना हो तो आर्टिकल में जाओ, जेनेरिक रिफरेंस और स्पेसिफिक रिफरेंस चैनल पकड़ो और कंप्लीट पढ़ो। ये जीआर क्या होता है, एसआर क्या होता है, तो क्या हुआ भैया? मीनिंग ऐसे स्टार्ट करोगे,
इसकी मीनिंग क्या बताया, नौकर को यानी किसी भी नौकर को अड्डा लगा देंगे ना तो खास हो जाएगा मेरे घर का, तब तो मैं क्या लिखता है, द सर्वेंट हैज टू ओबे मी, तब लिखना पड़ता है, मास्टर नहीं, नौकर को मेरी आज्ञा माननी होती या पड़ती, यानी मेरा नौकर है तो वो तो आड़की नहीं मिलेगा। चल चलते हैं, नौकर को यानी किसी भी नौकर को अपने मालिक की आज्ञा, बोलो बोलो क्या मैं निकाले, वहां कहता जी माननी होती है, मीनिंग एक्टिव से पैसे टफ होने जा रही है, सोच करके नौकर को अपने मालिक की आज्ञा माननी होती है, यहां पर क्या है माननी होती है अथवा माननी पड़ती है। अब यहां एक शब्द जोड़ दोगे क्या, नौकर को, नौकर द्वारा अपने मालिक की आज्ञा कारी मानी जानी सब जोड़ दोगे, क्या करोगे, माननी होती है चल जाएगा, काम चलाऊ ऐसा नहीं है, काम चलाऊ हो जाएगा लेकिन गलत होगा, क्या जी मानी जानी होती है, लेकिन मानी जानी कहोगे तो थोड़ा बड़ा लगेगा ना, तो सिंपल वाला ही चला लो कोई दिक्कत नहीं है, क्या जी माननी होती है या माननी पड़ती है, क्यों काम चल गया, यहाँ पर क्यों काम चला गया, क्योंकि द्वारा लगा दिया, तो जब द्वारा लगा दिया तो समझ जाओ कि पैसे नहीं है, है ना, लेकिन ज्यादातर सेंटेंस में जाना जानी शब्द आता है, यहाँ पर सेट नहीं हो पाएगा, हिंदी ऐसी भाषा है। तो इस तरह से ये भी पाठ समाप्त हुआ, अगले पाठ में जानते हो क्या पढ़ना है आपको, इंतजार करना, अरे इसके जगह हम क्या लगा देंगे, हार लगा देंगे, हार लगा देंगे, सब कुछ वही रहेगा, टाइम पास हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, तो सीक्वेंस जब पढ़ते जाएंगे तो छोटा छोटा क्लास लोगे ना तो तुम्हारा नेट पैक भी नहीं खत्म होगा, पढ़ भी लोगे, तो अगले क्लास तक के लिए क्या जी, टाटा बाय बाय, थैंक यू।